तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एसी कितना करंट लेता है, कितना यूनिट आता है, तो कैलकुलेट कैसे करें। तो जो नया एसी लेने वाला रहता है और जिसके घर पे एसी है, तो अपना कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो ये वीडियो को पूरा देखो तो जब समझ आएगा। अगर आप नहीं भी निकाल पा रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको निकाल के दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम देखेंगे कि कितना वैट जाके एक यूनिट में कन्वर्ट होता है। तो बताऊंगा 1000 वैट जाके एक यूनिट में कन्वर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप अपने एसी का स्टिकर देखो, एसी कितना वैट ले रहा है। तो ये हमारा सैमसंग का स्टिकर है एसी का, तो ये एसी ले रहा है 1780 वैट। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे 1780 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारा ये 1 घंटे का यूनिट निकलेगा। तो 1.78 यूनिट निकल रहा है। इसको हम करेंगे 6 घंटा एसी चला रहे हैं, तो 6 घंटे एसी का आ रहा है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट को हम इंटू करेंगे 30 दिन से, तो आपका यूनिट आ रहा है 320। इसको इंटू करेंगे 7 रुपये। अगर यूनिट का 7 रुपये होता है तो हम इसको इंटू करेंगे, तो आपका 1000 एसी ले रहा है 2242 रुपया। यह आपका 1 महीने का एसी में वैटेज नहीं दिया है, तो हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसा आप हर एक अप्लाइंसेस का आप घर पे निकाल सकते हो। तो फार्मूला है वोल्टेज इंटू एम्पियर। तो हमारा वोल्टेज है 230 इंटू एम्पियर, 7.5 एम्पियर। तो हम इसको इंटू करेंगे 230 इंटू 7.5 एम्पियर, तो हमारा आ गया वैट 1725 वैट। इसको डिवाइडेड करेंगे 1000 से, तो हमारा यूनिट आ गया 1.725 यूनिट 1 घंटे का। इसको हम इंटू करेंगे 6 से करेंगे इंटू, 1 दिन में 6 घंटा चला रहे हो, तो आप हमारा आ गया 10 यूनिट। तो 10 यूनिट को हम 30 दिन से इंटू करेंगे, 310 यूनिट आ गया। इसको हम 7 से इंटू करेंगे, तो आपका आ गया 2173 रुपये। भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आप देख सकें।